चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि इस साल जेएनके 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें कितनी सीटें शेयर होंगी और कौन कौन से स्टूडेंट को इसमें फायदा होगा और कौन कौन से स्टूडेंट को इससे नुकसान होगा। दूसरा टॉपिक उड़ीसा स्टेट से है। उड़ीसा स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका एक बार हम शेड्यूल चेक करेंगे कि क्या क्या शेड्यूल रहेगा इसके रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेएनके स्टेट जो 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए ये कितनी सीटें शेयर होंगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जेएनके स्टेट में टोटल 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इनमें टोटल 1000 एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स हैं। इसमें अगर 15% सीट्स का हम देखें तो इसमें 150 एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स ऑल इंडिया कोटा में शेयर होंगी इस साल के लिए, 150 सीट्स। तो इसका गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो स्टेट के लिए 850 सीट्स रहेंगी और ऑल इंडिया कोटा के लिए 150 सीट्स इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है। अब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की सीट भी इसमें शेयर होंगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो इसमें जो गवर्नमेंट डेंटल की सीटें शेयर हो रही हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट डेंटल की दो कॉलेजें हैं, 63 सीट्स है इसमें। 15% ऑल इंडिया कोटा में जब शेयर होंगी तो 20 के नियर बाई इसमें सीटें शेयर होंगी बीडीएस की, डेंटल की। अब इसमें यहाँ दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तो जो 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती हैं तो वो गवर्नमेंट की कॉलेज ही आएंगी। प्राइवेट की 100 सीट्स इसमें मेडिकल कॉलेज एएससीसीएम में है और डेंटल कॉलेज में 100, टोटल 200 सीट्स हैं। तो जो गवर्नमेंट की सीटें हैं वो 15% ऑल इंडिया कोटा में यहाँ शेयर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन 150 सीट्स पर कौन कौन से कैंडिडेट को फायदा होगा, कौन से स्टेट के कैंडिडेट को फायदा होगा। तो ये समझने से पहले हम एक बार 21 का स्टेट रैंक देख लेते हैं। तो 622 मार्क्स पर 50 स्टेट रैंक था 21 में, 610 मार्क्स पर 110 स्टेट रैंक था, 590 पर 180 स्टेट रैंक था, 580 पर 220 स्टेट रैंक था और 570 पर 270 स्टेट रैंक था, जो लास्ट में सिलेक्शन हुआ था नियर बाई 270 स्टेट रैंक के नियर बाई सिलेक्शन हुआ था। यानी कि जेएनके स्टेट की जो कट ऑफ है बाकी स्टेट से कम जाती है। तो इस बार जो 150 सीट से शेयर हो रही है ऑल इंडिया कोटा में, इसमें जेएनके स्टेट की जो लोअर कैंडिडेट्स हैं, जो जेएनके स्टेट के जो लोअर कैंडिडेट हैं लास्ट से, जो 250 रैंक से लेके 270 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर 200 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, बाकी जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा फायदा होगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स उनको 15% ये 150 सीट्स के जो जेएनके के दावेदार रहेंगे उनको थोड़ा सा यहाँ पर फायदा होगा। उनको फायदा ऐसे होगा कि जो स्टेट के कैंडिडेट हैं, जेएनके के स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो टॉप कैंडिडेट ऑल इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, लेकिन इनकी जो संख्या होगी, जो इनकी जो लेने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो कम होंगे, वो स्टूडेंट कम होंगे। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जेएनके में 50% से ऑल इंडिया कोटा में जिनको सीट मिलेंगी उन कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होगी, उन कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होगी। तो ये जो 150 सीट्स हैं उनमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा आएंगे, स्टेट के कैंडिडेट ऑल इंडिया में कम जाएंगे। जेएनके स्टेट से ऑल इंडिया में ऊपर वाले जो टॉप कैंडिडेट हैं वो तो कम आएंगे, लेकिन इन 150 सीट्स पर अदर स्टेट कैंडिडेट्स ज्यादा आएंगे। तो ज्यादा आने से जो लास्ट कट ऑफ रहती है जेएनके स्टेट की, उससे थोड़ा सा जेएनके स्टेट के कैंडिडेट को नुकसान होगा। ये ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये थोड़ा ही नुकसान होगा। और जो ऑल इंडिया के टॉप कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि जेएनके के जो टॉप कैंडिडेट हैं 15% के अंडर अदर स्टेट की टॉप कॉलेज लेंगी, तो इससे थोड़ा सा उनको नुकसान होगा, लेकिन वो अपने स्टेट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो नुकसान होने वाला है, ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो स्लाइटली लॉस होगा वो जेएनके के लोअर कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, और जो फायदा होगा वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को फायदा होगा, जो लोअर कैंडिडेट हैं उनको फायदा होगा इसमें। तो इस प्रकार से ये फायदा होगा
अदर स्टेट कैंडिडेट को इस प्रकार से फायदा होगा, लेकिन इसमें ज्यादा फायदा भी नहीं होगा और ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, इसमें थोड़ा बहुत ही फायदा होगा क्योंकि 150 सीट्स ही इसमें आ रही हैं ऑल इंडिया कोटा को। तो जेके स्टेट के कैंडिडेट्स को ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ज्यादा उनको लॉस भी नहीं होगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं उड़ीसा स्टेट के बारे में। तो उड़ीसा स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो इनके रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 10th October 2022 रखी गई है, यानी कि आप 10th October 2022 तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रात 12 बजे तक। इसके बाद में ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जो क्वारी होगी उसके लिए, क्वारी के लिए जो रिस्पॉन्ड होगा कुछ रिक्वायरमेंट जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम में, वो 12th October 2022 तक रहेगी इसमें। इसके बाद में डाटा प्रोसेसिंग का जो टाइम रहेगा 13 से 14 के बीच में रहेगा, और प्रोविजनल स्टेट मेरिट रहेगी 15 से 10 अक्टूबर के बीच में, और इसमें आगे जो फाइनल स्टेट की जो मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी वो 18 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी इसमें। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 10th October 2022 है। यहाँ आप उड़ीसा स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उड़ीसा के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप उड़ीसा स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। तो ये जानकारी थी उड़ीसा स्टेट के बारे में। बाकी अगर आप हमारी काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी काउंसलिंग बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने वो सारी जानकारी दे रखी है जिसकी आपको जरूरत है, स्टेट के सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी है, 3 इयर्स की कट ऑफ दे रखी है इसमें। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ अन्य जानकारी भी है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, आयुष वेटनरी, सभी के बारे में बुक अवेलेबल है। तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो ये जानकारी थी उड़ीसा स्टेट के बारे में और जेएनके के बारे में। तो मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।